नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता। अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। बहुत ही कम वक्त बचा है मेरे भाई की तीसरी पुण्यतिथि में डेथ सेरेमनी, डेथ एनिवर्सरी। बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं एंड उसी बीच में हम कुछ लोग हैं जो जेन्यूनली इस दिन को वेट करके, मतलब इसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, बट हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे भाई को जस्टिस मिले। उम्मीद में बैठे हैं कि हमारे भाई को जस्टिस मिलेगी। खैर, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम उस देश में हैं जहाँ पर ये उम्मीदें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं और उम्मीदों के साथ बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो इच्छाएं हैं, जो हमें देखना था कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी ये सिखाए कि गलत के लिए कभी भी साथ मत दो, सच के लिए कुछ भी हो जाए साथ दो, आगे बढ़ो, आवाज़ उठाओ। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी पता नहीं क्या सीखने वाली है, क्योंकि हमारी इस पीढ़ी में सच बोलने के लिए आपको सूली पे चढ़ाया जाता है, जिस तरीके से हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत को सूली पे चढ़ाया गया। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आज बहुत चर्चा हो रही है, स्पेशली इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, ट्रोलिंग पे आ चुका है ये मामला, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है ये एक छोटी सी रील जहाँ पर जैस्मिन भसीन, जो कि खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस एंड काफ़ी सारी छोटी मोटी सीरियल्स और बहुत सी बहुत सारे टीवी इंडस्ट्री के मदद से वो काफ़ी नाम कमा चुकी है, बट और वो काफ़ी निडर भी है। हमने खतरों के खिलाड़ी में भी देखा कि वो बहुत ही वो दिखने में ऐसी छुई मुई है, या वो कहती थी कि मुझे डर लग रहा है, बट अल्टीमेटली वही वो ऐसा टैलेंट उसके अंदर है कि वो इतना खतरनाक स्टंट भी कर लेती थी खतरों के खिलाड़ी में, वो चाहे जानवरों के साथ खेलना हो या ऊंची छलांगे मारना हो, व्हाटसोएवर। एंड खतरों के खिलाड़ी में ही स्पेशली उनकी मुलाकात और उनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हुआ है एली गोनी के साथ, एंड वो दोनों अभी बोला जाता है दे आर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, दे आर इन रिलेशनशिप। भैया वो तो भैया उनका मामला है, आज रिलेशनशिप में है, बेस्ट फ्रेंड्स है या व्हाटसोएवर है, बट अभी जो बात चल रही है वो ये है कि जैस्मिन वॉज देयर इन अबू धाबी एंड एक मस्जिद है, उस मस्जिद में कहा जाता है एक रूल है। अब हर जगह के अपने अपने रूल होते हैं, जब हम गुरुद्वारा जाते हैं तो गुरुद्वारे में लड़का हो या लड़की हो सर ढका रहता है, इट इज़ अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स द गॉड। हमारे हिंदू समाज में भी जो शादीशुदा औरतें हैं वो अपना सर ढक लेती है, नहीं भी ढकते भाई अपने बहुत ज़्यादा ही हम लोग छूट वाले हैं, बट एक्चुअली करना चाहिए। जब हम मंदिर जाते हैं तो व्हेन दे आर स्पेशली गर्ल्स वर गेटिंग मैरिड, उनको ये रिचुअल निभाने चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। एंड अगर आपका रिलेशनशिप एक मुस्लिम फैमिली में है, लेट्स से जैसे जैस्मिन भसीन वो एक हिंदू है और अली गोनी के साथ उनका रिलेशनशिप है, तो मे बी फ्यूचर में शी इज़ गोइंग टू गेट मैरिड टू दैट गाय, एंड उनका कास्ट व्हाटएवर वो माने ना माने वो मुस्लिम होने वाली है, तो अगर वो मुस्लिम धर्म को एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखकर उन्होंने बुर्का पहन लिया अबू धाबी में उस मस्जिद के अंदर जाने के लिए, जहाँ पे ऑलरेडी एक मतलब एक रूल है कि औरतें, बच्ची हो, बूढ़ी हो, जवान हो, आपको बुर्का या हिजाब पहन के ही जाना है, तो वहाँ पे उन्होंने बुर्का पहन लिया, सर से लेकर पांव तक पूरी ढकी हुई थी, उन्होंने थोड़ा रील्स बना लिया। मैं कहूँ कि रील्स बनाने की ज़रूरत नहीं चाहिए थी ऐसी, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं, रील्स भी बना ली। इस पे लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया, एंड नॉट ओनली जैस्मिन को, एली गोनी को भी। अब एली गोनी के लिए ये सब बातें आ जा रही है कि भाई अब तो जैस्मिन तुम फ्रिज में मिलोगी, इसका मतलब क्या है आपको पता चला? इसका मतलब ये है, जो ये जो आफ्ताब का ये जो केस चल रहा था दिल्ली वाला, दे आर रिलेटिंग दैट पूरा इंसिडेंट विद दिस गर्ल, दे वॉन्टेड टू से यर कि हर एक मुस्लिम अपनी गर्लफ्रेंड को मार देगा, टुकड़े टुकड़े करके फ्रिजर में डाल देगा। इज इट रियली लाइक दैट? हम एक इंसान को पकड़ के उसकी पूरी कास्ट को खराब नहीं कर सकते हैं, पहली बात।
आप किसी एक कास्ट के लड़के को या लड़की को उठा के उसके बारे में कुछ अनशन बक के उसकी पूरी कौम को बदनाम नहीं कर सकते। ये आपका हक नहीं है, ये आपको करना भी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है इस बात का। हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत सारे गुंडे, बिश्नोई को ही मत भूलो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट हिम, जिसने सलमान खान को धमकी दिया बट आज तक कुछ किया नहीं, तो उस बिश्नोई को भी मत भूलो, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम द हिंदू समाज। तो क्या हम अपने पूरे हिंदू समाज को, बिश्नोई समाज को खराब बोल देंगे? इज इट डन? नहीं ना। तो किसी एक व्यक्ति को उसके धर्म पाठ पे लगाकर अभी आप एलिगोनी का नाम खराब कर रहे हो, ये कह के कि जैस्मिन बहुत जल्दी तुम्हारी लाश मिलने वाली है फ्रीजर में, ये सब बहुत गंदा लगता है। जब आप कमेंट करते हो ना, ऐसी गंदी गंदी बातें कमेंट करते हो, आपको सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, कि अगर यही बातें आपके लिए कोई बोले तो आपको कैसा लगेगा, आपको भी बुरा लगेगा ना। तो किसी के धर्म जात पे क्यों जाना, क्यों इतना गंदा बोलना, क्यों अपनी जबान को गंदा करना? अगर वो खराब है तो दिख जाएंगे, अगर वो अच्छे है तो दिख जाएंगे। एंड मैं मानती हूँ कि जैस्मिन ने अगर बुरखा पहना तो इसमें कोई गलत काम नहीं किया है, शी इज़ गिविंग रिस्पेक्ट टूवर्ड्स हर यू नो फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर हस्बैंड्स का फैमिली, कि भैया मैंने आपके रिचुअल को अपनाया है, मैं सिर्फ एलिगोनी को नहीं आपको भी अपना रही हूँ, आपके धर्म को भी अपना रही हूँ, तो इसमें बुरा क्या है? किस बात की ट्रोलिंग हो रही है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, किस बात की ट्रोलिंग हो रही है? मुझे तो इन ट्रोलर्स को ट्रोल करना है कि भैया आप लोगों को कुछ नहीं आता, आप लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, आप सिर्फ कमेंट करना जानते हो और कमेंट में आजी बाजी कुछ भी लिखते हो, आप क्या कर रहे हो? आपके छोड़ो बीप बीप, आपके पास इतना ताकत है, आप में अगर इतना दम है तो अच्छे टॉपिक पे लड़ो, अच्छे टॉपिक पे बोलो, इन्फ्लुएंस पीपल सो दैट के आपकी बोली से कोई इंसान उसको अफेक्ट हो, वो स्ट्रांग बने, कमज़ोर नहीं, वो स्ट्रांग बने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम हैं भाई भाई, ये सिर्फ बातों में नहीं, ये रियलिटी में लाओ। आई एम नॉट टेलिंग यू पीपल के सबको भाई बहन बना लो, बट किसी की धर्म जात पे आप नहीं बोल सकते, आपको कोई हक नहीं बनता है। आप किसी को भी ट्रोल नहीं कर सकते धर्म जात पे, आप अपना काम करिए, आप आगे पीछे मत देखिए कोई क्या कर रहा है। अगर आपको इतना ही देखना है तो आप एक यूथ है, यूथ के धर्म को निभाइए, आप सही इंसानों को वोट करें। मैं तो कहूँगी वोट ही ना करें, मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि वोट करने वाले जो दुष्कर्मियाँ हैं, ये इतने सारे जो गवर्नमेंट पीपल है जो कुछ काम के नहीं आए, विल से दे आर गुड फॉर नथिंग। मेरी पिछली वीडियो पे लोगों ने मुझे अच्छे ही कमेंट्स दिए, किसी ने मुझे खराब कमेंट्स आज तक नहीं देते, लेकिन मुझे यूट्यूब वालों ने मोनेटाइजेशन पर मना कर दिया। भैया क्यों कर दिया, किस बारे में कर दिया? क्योंकि मैंने CBI को छक्का बोला, तो भैया इसमें भी बोल रही हूँ, जाओ करो मोनेटाइजेशन लॉक करना है करो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट सच तो मैं बोल के रहूँगी, मुझे सच बोलने में शर्म नहीं आती, किसी को दुख होता है तो दुख हो, आई डोंट केयर, सच बोलो। अगर सच बोलने का गुदा रखते हो, हिम्मत रखते हो, तब आगे आओ, और कमेंटिंग करना बंद करो। ये कमेंटिंग करने का जो धंधा आप लोगों ने करके रखा है, एक बंदा है विकास साहा, मेरे अकाउंट पे हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट करता है, तो मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ विकास तुम्हारा कमेंट्स, अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है, तुम कमेंट किया करो, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो एंजॉय करती हूँ तुम्हारे कमेंट्स, क्योंकि ये बेकार लोग है बेचारे, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है करने को, तो कुछ तो करे, करो करो कमेंट करो। एंड ट्रोलर्स आप लोगों को भी मैं कहती हूँ, आप लोगों के पास काम धंधा नहीं है, करो जो करना है करो, कहीं तो कहीं बिजी हो गए, बट अगर बकवास करने का हिम्मत रखते हो तो बकवास सुनो भी, ठीक है ना। और रही बात जैस्मिन भसीन की, आई रियली लाइक इट, आई लाइक द वे शी गेव द रिस्पेक्ट टूवर्ड्स द कम्युनिटी वेयर शी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सून, अगर वो शादी करती है एलिगोनी के साथ, तो करे ना करे उनकी मर्जी है, बट किसी भी धर्म को रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छी बात है, सो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विथ इट।
क्या आपको इतना प्रॉब्लम है? कमेंट पे जरूर बताइएगा मुझे क्या आपको कैसा लगा। ये ट्रोलिंग होनी चाहिए? ये धर्म पे, ये जात पे बोलना चाहिए? अगर एक लड़की, एक हिंदू लड़की बुर्का पहन लेती है एंड मस्जिद में एंटर करती है तो क्या बुरा हो गया? क्या एक मुस्लिम मंदिर के अंदर नहीं आ सकते? क्या ये बुरा हो गया? ये एक्चुअली किसी कुरान में या किसी गीता में या कहीं पे भी नहीं लिखा है, किसी धर्म में नहीं लिखा है कि दूसरे धर्म वाले हमारे कम्युनिटी में नहीं आ सकते। इट इज़ वी द ह्यूमंस, हमारे खराब दिमाग, हमारा गंदा दिमाग जो ये सारी चीज़ें बाहर लेके आता है कि तुम क्यों इधर आए, तुम मंदिर में नहीं आ सकते, तुम ये नहीं आ सकते। हाँ, एक चीज़ मुझे ज़रूर कहना है जैस्मिन को, अगर आप ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट कर रहे थे, वेरी गुड। और अगर आप रील्स बनाने के लिए और पॉपुलर होने के लिए, पपराजी करने के लिए कर रहे थे तो वेरी बैड। एंड स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू एनी प्लेस, एनी रिलीजियस प्लेस, आप चप्पल जूते नहीं पहन सकते। किसी ट्रोलर ने ये भी कहा है कि क्या आपको इतना समझ नहीं आता, यू कांट वेयर सैंडल्स। तो ये तो भैया कॉमन सेंस है, ये तो माँ बाप ने बचपन से सिखाया हुआ होता है कि किसी भी रिलीजियस प्लेस में आप जूते चप्पल नहीं पहन के जा सकते हो, ये कॉमन सेंस की बात है। सो ऑन दैट पॉइंट ऑफ कोर्स जैस्मिन, आई विल डेफिनेटली वांट टू टेल यू दैट डोंट डू दिस अगेन, टेक केयर। बाकी आप बहुत प्यारे हो, मुझे अच्छे लगते हो। एंड रही बात एलिगोनी की, तो उसके ऊपर भी प्लीज़ ये सब गंदे कमेंट्स करना बंद करो। ही इज़ अ नाइस मैन एंड वो कोई इस तरह का आदमी नहीं है कि अपनी गर्लफ्रेंड के टुकड़े करके वो रेफ्रिजरेटर में डाले। ये सारी चीज़ें बहुत गंदी हुई है, जो हुई है पिछले वक्त से। एंड अभी वो मथुरा का भी जो केस है, जो मीरा रोड में, मुंबई में मीरा रोड में, आई थिंक सो, आई डोंट नो द फुल स्टोरी बिकॉज मैं ये सब अभी आजकल बहुत कम देखती हूँ। तो उधर भी दिखाया है कि आफ्ताब वाला सीन उन लोगों ने रिपीट करा, उस बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड के टुकड़े टुकड़े कर डाले एंड कुत्तों को खिला दिया, दरिया में डाल दिया एंड बहुत कुछ किया, पकड़ा गया है वो इंसान। बट ये सबसे हमें इतना सीखना चाहिए कि हमें ये तकलीफें ना हो, वी हैव टू बी अलर्ट। एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी अगेन, सुशांत के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रे करिए कि वो जहाँ हो उसे प्लीज़ पीस मिले, क्योंकि इस ज़माने में इतनी गंदगी है कि उसको अगर हम वेट करने बोलेंगे उसके जस्टिस के लिए तो और तकलीफ़ में पड़ेगा। एंड मुझे कहीं ना कहीं अब उसे तकलीफ़ में नहीं देखना है, बट उसका मतलब ये नहीं कि हम जस्टिस के लिए लड़ना बंद कर देंगे। हम उसके लिए भी, दिशा सल्यान के लिए भी एंड समस्त जो भी लोग हैं जो जिनको जस्टिस मिलना चाहिए, एंड स्पेशली टू दोज पीपल जो अपने हक के लिए लड़ाई नहीं कर सकते, द पीपल हु आर देयर अपस्टेयर, वो गॉड के पास है बट अपने लिए लड़ नहीं पाए, उनके लिए आवाज़ उठाने का हमें उठाना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। एंड आई हैव नॉट डिसाइडेड व्हाट टू डू लाइक फॉर हीज डेथ एनिवर्सरी, बट यस, कहीं ना कहीं मैं नम हूँ, इसलिए दो तीन दिनों से मैं वीडियो भी नहीं बना रही थी एंड काफ़ी कुछ चल रहा है। एंड अगर वीडियो नहीं बनाती हूँ तो देखती हूँ कि सब्सक्राइबर्स कम पड़ गए, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सीरियसली आई एम टेलिंग यू पीपल, आप लोग मेरे को ज़ीरो कर दो तो भी मैं बकबक करती रहूँगी, तो भी मैं सच्चाई के लिए आऊँगी एंड मेरी आवाज़ उठाऊँगी, मुझे आप रोक नहीं सकते। सब्सक्राइबर्स आर मैज एक थिंग जो आपके वीडियो को थोड़ा फैला सकते हैं। अगर नहीं फैला सकते ऐसे सब्सक्राइबर्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप लोगों को बुरा लगा आई एम वेरी सॉरी, बट मेरे लिए सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज़ इसलिए मायने रखते ताकि जो सच्चाई हम सामने लाने की कोशिश करते हैं अगर आप उसको शेयर करो, उसको फैलाओ तो बेटर रहेगा। आप अरमान मलिक की स्टोरीज़ को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, जहाँ पर मेरे भाई ने बहुत अच्छा चीज़ बोला, जब लास्ट गई थी मेरे पापा के घर तो मेरा भाई मस्ती में एक चीज़ बहुत अच्छा बोल गया कि अरमान मलिक हो, कृतिका मलिक हो या पायल मलिक हो, उन सबकी वीडियोस में एक ही चीज़ आती है, तो वाई टू फॉलो एवरीवन, फॉलो वन। तो वहाँ आप ये सब कर सकते हो और जहाँ सच्चाई की बातें होती हैं आप लोगों को एक बटन टिपने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, एक सब्सक्राइब या एक व्यू डालने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं भाई, ये कड़वी सच्चाई है, ये बाहर आ गई तो ये लड़की पॉपुलर हो जाएगी। अरे भैंस गई तेल लेने, मेरे को किसी का पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि हमारी आवाज़ इतनी आगे जाए
कि लोगों तक जाए और पता चले कि वी आर स्टिल वेटिंग फॉर जस्टिस। खाली कमेंट में जस्टिस फॉर SSR लिखने से नहीं होता। दीदी जस्टिस कब मिलेगा, दीदी जस्टिस कब मिलेगा, कमेंट करने से मिल गया, कमेंट करने से मिल गया क्या? नहीं मिला ना। सच्चाई के साथ खड़े रहने के लिए बहुत सारे वेज आउट होते हैं। अगर आप सही तरीके से वे आउट को संभाल के उसको बढ़ावा दोगे तो अच्छी चीज़ें होंगी। बाकी आप पे है यार, मैं उतना फोर्स नहीं करती हूँ। मैंने तो कहा ना, मेरा धर्म है मैं सच्चाई के लिए बोलूँगी और मरते दम तक बोलूँगी। मर कर वापस आई हूँ, मरते दम तक बोलूँगी। आई लव यू सुशांत माई ब्रदर, एंड दैट्स अबाउट इट। आगे देखते क्या होता है। जय हिंद, लव यू ऑल।